देखिए, अगर आप आर्ट के बारे में बात करें तो देर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। दुनिया और अगर बाहर से देखेंगे तो बहुत ही अलग दुनिया है, क्योंकि जो एक्टिंग और टेलीविजन नहीं बट फिल्म का जो दुनिया है वो बहुत ही अलग है। और वहां पे जो स्ट्रगल मैं नहीं कहूंगा बट वहां पे जो चैलेंजेस और वो सब है दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी फेस इन दिस थिंग। बट एज एन आर्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि देर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। और putting me into the picture, जैसे for मेरे लिए कैसा था कि I am a forced method actor, I would say, क्योंकि मैं मुझे acting नहीं आती तो I have to become that person। तो वो जो भी दो तीन महीना था workshops थे, तो और मैं शरद नेलुकर जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि अगर आपने फिल्म देखी हो तो शरद नेलुकर has been like only focused, गुरुजी ने जो कहा है उतना ही करो और you know very surrendering towards this। और मैंने तो सब चीज कर लिया, अभी कुछ बचा नहीं है। कॉलेज में बैंड में भी गा लिया, कॉलेज भी कर लिया, आर्टिकलशिप भी कर लिया, जॉब भी कर लिया, अभी फिल्म भी कर लिया। तो जो जो चीज उसने नहीं की वो सारी मैंने की है। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो। तो हमारी बहुत सारी कॉन्वर्सेशन होती थी, क्योंकि सो दैट आई बिलीव इन वॉट आई एम सेइंग, क्योंकि अदरवाइज जनरली जो मैं बिलीव ही नहीं करूंगा वो सब शरद नेलुकर के मुंह से आ रहा है जो सारे डायलॉग्स। तो इसके लिए हमारे बहुत सारे कॉन्वर्सेशन चैतन्य के साथ मेरे होते थे। And he used to tell me, you know, कि what
ही मस्ट बी गोइंग थ्रू, यू हैव टू स्टेप योर सेल्फ इन टू हिज शूज. और उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज मुझे कही थी कि हमें क्या लगता है कि मेथड एक्टर हो या जो भी हो, हमें, मुझे शरद नेरुलकर बनना है, या अगर कोई और करना है, अगर मुझे पृथ्वीराज चौहान बनना है, तो वो वैसा नहीं है. उन्होंने एक बहुत अच्छा मुझे एक चीज कहा था कि तुम्हें शरद नेरुलकर नहीं बनना है, तुम्हें अपने अंदर के शरद नेरुलकर को जानना है, तो ही वो रियल लगेगा. अगर तुम कोई इमेजिनरी शरद नेरुलकर जैसा बनने या बोलने जाओगे तो फिर भी वो फेक ही लगेगा. तुम्हारे अंदर के शरद नेरुलकर को ढूंढो. तो इट्स अ वेरी इमोशनली टायरिंग जर्नी, क्योंकि आई हैव टू गो बैक टू ऑल दोज इनसिक्योरिटीज जो शरद नेरुलकर को होती है, जेलसी होती है, और सबको होती है, हर एक कलाकार इसमें से जाता है. तो यू हैव टू गो बैक टू ऑल दोज इमोशंस एंड फील देम, तभी वो रियलिस्टिकली स्क्रीन पे दिखता है. क्योंकि उसने कहा था कि स्क्रीन पे आप झूठ नहीं बोल सकते, लाइक स्क्रीन पकड़ लेता है. अगर आपके मन में कुछ और है और जुमा आपको कुछ और है, तो स्क्रीन पे पता चल जाता है. तो और सिमिलर चीज क्लासिकल म्यूजिक में भी है, क्योंकि जब तक आप पूरा वो यमन में डूबोगे नहीं, और आपको पता नहीं है कि आज मेरा यमन कैसे होने वाला है या आज मेरा मुल्तानी कैसे होने वाला है, तो जब तक आप पूरा उस यमन में, आप इफ यू आर नॉट इमर्स्ड कंप्लीटली, और हमेशा अलग अलग भी होता है, राइट? तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप, ऐसा नहीं है कि यमन में डूबोगे तो हर कॉन्सेप्ट में यमन उतना ही अच्छा होगा या वैसे ही होगा. तो अगेन आपके अंदर यू हैव टू इंटरनलाइज. तो दोनों जगह पे वो इंटरनलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर क्लासिकल म्यूजिक मैं कहूंगा, बिकॉज यहाँ पर आप रिहर्स कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ प्री कंपोज नहीं है. अगर आप कोई सेमी क्लासिकल या लाइट म्यूजिक गा रहे हो तो उसमें रिहर्सल होता है, यू कैन रिहर्स इट. बट यहाँ पे मुझे नहीं पता, आज मैं यमन में बंदिश के अलावा कुछ नहीं पता कि मैं कैसे गाने वाला हूँ, क्या गाने वाला हूँ. तो अगेन दैट इंटरनलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हेल्प्स. तो या ये दो तरीके मुझे लगते हैं कि वेरी डीप सिमिलैरिटीज. शॉर्ट में मैं बताता हूँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली. तो अगर एक घंटे के लिए है तो क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं. तो फर्स्ट मैं ये देखता हूँ कि ये कौन किस तरीके का कॉन्सर्ट है, एज इन लाइक इफ दिस इज अ कॉन्सर्ट फॉर लाइक लॉट लाइक 500,000 पीपल, जहाँ पे सब तरीके के लोग आएंगे. क्योंकि अगर वही यमन आपको 1,000 लोगों के सामने गाना है, जिन्हें इन जनरल पब्लिक हो, तो आपको एक अलग तरीके से उसे पेश करना है. और अगर कोई ऐसा है जो जहाँ पे बहुत सालों से ये फेस्टिवल चल रहा है और बहुत सब कलाकार वहाँ पे सुनने आते हैं, या बहुत सब कानसेन लोग वहाँ पर सुनने आते हैं, तो वहाँ पर जो यमन में गाऊंगा इट विल बी वेरी डिफरेंट. तो राग का चॉइस इट डिपेंड्स कि अगर मैं ऑलरेडी किसी राग में अगर मेरा चिंतन शुरू है और अगर कॉन्सर्ट है, तो शायद मैं वो राग चूज करूंगा. बट उस पे ऊपर क्या काम करे, दैट डिपेंड्स ऑन वन ऑफ दिस एस्पेक्ट. और दूसरा ये भी रहता है कि व्हाट काइंड ऑफ एकम्पनिस्ट आर देयर. लाइक अगर मेरे हमेशा के एकम्पनिस्ट होंगे तो एक अलग कंफर्ट लेवल होता है, और अगर नए कोई एकम्पनिस्ट होने वाले हैं तो अकॉर्डिंगली आई चूज व्हाट आई एम गोइंग टू सिंग. क्योंकि अपना कंफर्ट लेवल यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दैट. सो इफ मेरे हमेशा जो है, तो दे ऑल्सो नो कि मैं क्या गाने वाला हूँ, कैसे लय में गाने वाला हूँ, एंड दे एडजस्ट टू मी. बट अगर न्यू एकम्पनिस्ट है तो आई हैव टू एडजस्ट टू देम. तो I will have to make sure, you know, that bandwidth I have, कि गाने के अलावा कि मुझे उनसे adjust कर करके मेरी कला प्रस्तुत करनी. तो yeah.
Ah, ah, ah.
I have done my soul.
Kada kada laya ki ba.